NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. गायन, वादन और नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं. संगीत एक ऐसी भाषा है जिससे हम कोई भी भावना आसानी से व्यक्त कर सकते हैं. संगीत में हर वाद्य का अपना ही एक महत्व है, वैसे ही संगीत में सरोद का भी एक महत्व है. आज हमारे बीच बिहार की पहली सरोद वादिका रीता दास जी मौजूद हैं. हम इनसे सरोद के बारे में जानेंगे और इनके ज़िंदगी के बारे में भी बातचीत करेंगे. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत नमस्कार. सिटी पोस्ट में आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बहुत खुशी हुई. और श्याम भाभी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी. धन्यवाद मैम. मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि सरोद, जो कि बहुत अनपॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं जानते सरोद के बारे में, आपने कहाँ से सोचा कि सरोद बजाना है? आपके जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी. हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया. सरोद और मैं एक सिनोनिमस मान सकते हैं. जब से मैं घर में आई और मैंने संगीत समझना कुछ सीखा, तो अपने घर में सरोद ही सुना जी. मेरे पिताजी खुद प्रोफेसर CL दास, एक आचार्य अलाउद्दीन खां साहब के शिष्य रहे और सरोद उनसे सीखते थे. प्रोफेशन तो उनका नहीं था, वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, पर शौक से उन्होंने सरोद सीखना शुरू किया जी. उसके साथ ही मेरे घर में सरोद के दिग्गज कलाकार आते रहे जी. उस्ताद अली अकबर खां साहब, उस्ताद बहादुर खां साहब, आशीष खां साहब और उनसे जितने भी बड़े बड़े कलाकार थे, मेरे घर उनका आना जाना होता रहा जी. साथ ही मेरे फादर का बहुत कलेक्शंस था रिकॉर्ड का, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड का, और वो रिकॉर्ड प्लेयर बजाते थे और मैं सुनती रही जी. तो पिताजी तो नहीं चाहते थे कि मैं सरोद बजाऊँ, क्योंकि ये कठिन वाद्य है और भारी भी है, वेट भी है इसका जी. पर मेरे मन मस्तिष्क में एक ही इंस्ट्रूमेंट था, सरोद. ये मुझे बहुत ही कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट लगता है जी. एक तरफ इतना इसका बहुत ही गंभीर वाद्य मानते हैं और दूसरी तरफ बहुत ही स्वीट साउंड भी है जी. तो मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ नज़र ही नहीं डाला, मैंने सरोद शुरू कर दिया और पापा ने भी सिखाना शुरू कर दिया. तो मेरी शुरुआत सरोद इस तरह से हुई जी. अपने पिताजी से सीखा, फिर मेरे पिता के जी के ही गुरु उस्ताद बहादुर खां साहब, वो भी आते थे, उनसे भी मैंने सीखा. उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रही थी तो मुझे HRD स्कॉलरशिप मिला जी. तो पंडित सुनील मुखर्जी से सीखा, विमलेंदु मुखर्जी, वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे जी. उनसे मेरा भी सीखना हुआ. इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ और अभी मैं वर्तमान में उस्ताद आशीष खां साहब से सरोद सीख रही हूँ. ये सिलसिला है मेरे सरोद सीखने का जी. मैम, ये सवाल करना तो मेरे लिए यहाँ पे व्यर्थ होगा कि आपकी प्रेरणा क्यों है, कौन है, क्योंकि आप सबके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा आप ही है. पहली सरोद वादिका, आप खुद ही एक प्रेरणा है. फिर भी मैम, मैं जानना चाहूँगी कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सीखने की? प्रेरणा मुझे कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया. पहली तो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है जी. उसके बाद मैं विदुषी अन्नपूर्णा जी को मानती हूँ, जो आचार्य अलाउद्दीन खां साहब की सुपुत्री अब नहीं रही, लेकिन सुरबहार और सितार में उनका दक्षता था, उनको मैं प्रेरणा मानती हूँ. और साथ ही मैं पंडित भीमसेन जोशी जी को भी बहुत मानती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया. उनकी गायकी, उनका पूरा जीवन यात्रा, वो मुझे बहुत इंस्पायर करते रहा. तो इन दो जनों को मैं बहुत मानती हूँ. मेरा परिवार तो है ही, मेरे पिता और मेरी माँ या मेरी बड़ी बहन जो कथक डांसर है डॉक्टर रमा दास, वो ना होती तो मैं शायद इस जगह पर नहीं पहुंचती. सब लोगों का सहयोग रहा है, लेकिन विदुषी अन्नपूर्णा जी और पंडित भीमसेन जोशी जी मेरे जीवन में बहुत, उनको मैंने बहुत आत्मसात किया जी.
हमें तो बहुत अच्छी बात है कि अपने परिवारजनों को ही आप अपनी प्रेरणा मानती हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया कि अपने परिवार के लोगों को ही लोग अपनी प्रेरणा मानते हैं। मैम, अब मैं जानना चाहूँगी सरोद के बारे में थोड़ा। मुझे खुद भी ज्ञान नहीं है सरोद के बारे में, और हमारे दर्शकों को भी बहुत नहीं पता, तो आप सरोद एज अ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सरोद एक, देखिए ये इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है कि ये हिंदुस्तान का है या अफगानिस्तान का है। जी, मैंने इसी पे रिसर्च भी किया है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से MPhil और PhD की, और मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरी मेरी थीसिस सरोद और मैहर घराना, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैहर सेनिया घराने से। तो सरोद के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान का है, रबाब का ये विकसित रूप है जी। रबाब से ही सरोद बना है। रबाब में बस उस रबाब में थोड़ा सा चेंजेस ला करके सरोद का रूप दिया गया। रबाब में ये स्टील प्लेट की जगह ये वुडन प्लेस होता था जी। और ये स्टील के तार ना हो करके तांत के तार होते थे जी। इनकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत कम हुआ करती थी, छोटे साइज़ की होती थी। खूंटियाँ भी, पेक्स भी बहुत कम होते थे। ये जो सिंपैथेटिक इंस्ट्रिंग्स आप देख रही हैं, तरब की तारें, वो नहीं होती थी, बहुत छोटे साइज़ में होते थे। अफ़गानिस्तान में भी रबाब बजता है, कश्मीरी रबाब भी है जी। और उस पर आपने फिल्मों में भी देखा होगा, रबाब को बहुत यूज़ करते हैं। आपने शायद, आपको याद होगा, जंजीर फिल्म में रबाब बजते हुए सुना गया है। तो उसमें राग रागनियाँ तो नहीं बज पाती थी, क्योंकि उनका स्पेस नहीं था ज़्यादा, और बहुत ही एक धुन, एक पर्टिकुलर धुन बजता था जी। हमारे हिंदुस्तान में भी वीणाओं की कई प्रकारें हैं। उन्हीं वीणाओं से हम मानते हैं कि उन्हीं का एक विकसित रूप से हम मानते हैं। मध्य प्रदेश के गुफाओं में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। हमारे घराने के, मैहर सेनिया घराने के उस्ताद आयत अली खां साहब ने इनका शेप दिया। ये जो आप ओवल से साइज देख रहे हैं, और इतनी लंबाई और इस तरह की जो लंबे चौड़े सरोद जो आप वर्तमान में देख रही हैं, उस्ताद आयत अली खां साहब का ये देन है जी। जो कि आचार्य अलाउद्दीन खां साहब के गाइडेंस में उन्होंने ये शेप दिया, और ये इंस्ट्रूमेंट आज बज रहा है। सरोद के तो वैसे तीन घराने हैं, ग्वालियर घराना उस्ताद हाफिज अली खां साहब का, जिनके बहुत ही विश्वविख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां साहब हैं उनके सुपुत्र, और मैहर सेनिया घराने जिसके संस्थापक आचार्य अलाउद्दीन खां साहब जी, और एक तीसरा शाहजहाँपुर घराना, अमीर खां साहब का घराना, वो भी है। लेकिन हमारे और उनके घराने के सरोद में बहुत सारा फ़र्क है जी। हमारे यहाँ पूरे के पूरे 25 तार हैं, उनमें नहीं होता है, उनमें थोड़ा कम होता है। ये जहाँ हम 8 करते हैं वहाँ 6 वो यूज़ करते हैं, तरफ जहाँ हमारा 15 है वहाँ वो 11 है। तो ये सारे फ़र्क हैं, अपने अपने घराने की विशेषताएं, और इस ढंग से बनता है। तो ये मतभेद ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान से आया, रीवा महाराज के पास बोलते हैं कि व्यापार करने के लिए लोग आए और अपने साथ एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट ले आए, जो कि समय बचता था तो लोग शाम को बैठ के इस पे करते थे, थोड़ा अपना मनोरंजन के लिए करते थे। पर वीणाएं भी अपने भारत में, वर्ष में बहुत सारी वीणाएं हैं, और उन वीणाओं का ही एक विकसित रूप हम इसे मानते हैं। तो मैं उस कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना चाहती हूँ, पर यही है कि सरोद आज जो है पॉपुलर है और हर लोग बजा रहे हैं। ये ज़रूर है कि ये कठिन वाद्य है, जिसका एक बहुत बेसिक रीज़न है कि इसमें फ्रेट्स नहीं होते हैं, जगह नहीं बना होता है। आपके कठिन अभ्यास और निरंतर अभ्यास और कानों को ट्रेंड करके ही आप इस पर सरगम बजा सकते हैं, सारे गांवों पर धनिसा। जबकि सितार में फ्रेट्स होता है, गिटार में जगह होता है, हारमोनियम में होता है, वायलिन भी छोटा होता है तो उसमें भी नहीं होता। सारंगी भी कठिन वाद्य है, लेकिन सरोद का एक वजन भी होता है, तो सो दैट ये बहुत डिफ़िकल्ट भी इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। काफ़ी वर्षों के अभ्यास के बाद, अलंकार बजाने के बाद, एक एक सुर को समझने के बाद आदमी इस पे थोड़ी दक्षता हासिल कर पाता, सुर का ज्ञान हो पाता है। तो इस तरह से है। मैम, ये बात तो बहुत सही है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पहली बात तो बहुत अनपॉपुलर है, ज़्यादा लोग बजाते नहीं, जानते नहीं, और फीमेल में भी बहुत कम। अनपॉपुलर होने का एक बेसिक रीज़न यही है कि एक तो कठिन है, दूसरी बात ये है कि ये महंगे इंस्ट्रूमेंट है, 30,000 से 40,000 के बीच में मिलता है, जो कि एक मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इंस्ट्रूमेंट के लिए। और
अपने हिंदुस्तान में तो कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में पॉपुलर है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पॉपुलर नहीं है। बाहर लोग बताते हैं, ये मैं नहीं मानती कि ये पॉपुलर नहीं है, अगर कुछ एफर्ट किया जाए तो पॉपुलर हो सकता है। तो उसका रीज़न एक यही है, एक तो कठिन है, दूसरा महंगा है, दो कारण है जो कि पॉपुलर उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, एक रीज़न है। मैम सरोद की बात हो ही रही है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप थोड़ा सा हमें कुछ बजा के ज़रूर, मुझे खुशी होगी। राग कीरवानी में आपके समक्ष थोड़ा आलाप और एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। खुश कर देगा, एकदम पॉजिटिव फीलिंग ऐसा अभी आ रहा है मुझे आपके सरोद बजाने के बाद।
मैम, मैं जानना चाहूँगी, इतना कठिन वाद्य है, आपको बजाने के वक्त, आपको इसको लेने के वक्त बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, आपके स्ट्रगलिंग फेज के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगी, मैंने पटना यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में किया MA जी, और मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। एट द सेम टाइम मैं उस समय कोई करियर के रूप में नहीं ले रही थी सरोद को, ऐसे ही शौक से बजा रही थी। वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। मेरी बड़ी सिस्टर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में वो रिसर्च स्कॉलर थी जी, और MA सरोद का निकला और मैं वहाँ गई जी। वहाँ के वाइस चांसलर पंडित विमलेंदु मुखर्जी जी थे, तो मैंने आग्रह किया उनसे कि मैं सरोद यहाँ एडमिशन लूँगी और यहाँ से MA करूँगी सरोद में जी। तो उन्होंने कहा, लड़कियाँ सीखना तो शुरू कर देती हैं पर कंटिन्यू नहीं करती हैं, थोड़े टाइम के बाद उनकी शादी हो जाती है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वो सरोद म्यूज़िक वहीं का वहीं रह जाता है, वो कर नहीं पाती है। मैंने कहा, आप मुझे सिखाइए, आप देखिए मैं कहाँ तक ले जाती हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे फादर लेटर लिखे और तब उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया और वहाँ से मैंने MA किया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से MPhil की और PhD किया, तो ये सिलसिला तो चलता रहा। लेकिन जो संगीत को जगह मिलना चाहिए, आज भी मुझे महसूस होता है कि मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और जबकि कोई मुझे पूछता है आप क्या करती हैं, तो मैं बताती हूँ जब म्यूज़िक की टीचर हूँ तो लोग का बहुत पॉजिटिव नहीं रहता है। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, म्यूज़िक को एज ए सब्जेक्ट इसका रिकग्निशन मिलना चाहिए जी। जब UGC ने इसे मान लिया है, JRF एग्ज़ाम होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, जो मैंने दूसरे सब्जेक्ट करते हैं उससे कम हम लोगों का नहीं होता है जी, जी। एक और एक निरंतर अभ्यास में रहना पड़ता है जी। तो परेशानियां तो हुई, और जहां तक एक फीमेल का होता है, ये मेल डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट है, फीमेल तो कम ही आती हैं, आप जान ही रही हैं, मेल ही ज़्यादा बजाते हैं, बहुत सारे रीज़न हैवी होता है। तो जब कोई मुझे पूछता था तो बोलते थे, अरे कुछ बजाती ही होगी ऐसा करके। तो एक फीमेल को थोड़ा लोग दोयम दर्जे में रखते हैं, और जब संगीत करती होगी तो दूसरे ही दर्जे का होगा, मेल की तरह नहीं, उनके लेवल में नहीं आती होंगी। तो ये मैंने देखा और ये मुझे महसूस हुआ, पर इसको मैंने, इस बैरियर को मैंने तोड़ा। मुझे आज अपने कॉलेज में वही रिस्पेक्ट, वही जगह मिला जो एक साइंस के प्रोफेसर को मिलता है, और मुझे उनका प्रेम स्नेह भी मिलता है। और आज, पहले तो मगध विश्वविद्यालय में था हमारा कॉलेज, आज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में है, पर म्यूज़िक डिपार्टमेंट सबसे आगे है, और इस बात की मुझे खुशी है। मेरे स्टूडेंट्स बहुत आज एम्प्लॉयमेंट में उनको मिल चुका है और एक जगह पे हैं, तो इस बात की खुशी है, और वो कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। म्यूज़िक से कोई एक कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं हुआ, आज वो बहुत गर्व से कहती हैं कि मैंने म्यूज़िक लिया और एक जॉब में भी वो आ रही हैं। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो है। आपके स्ट्रगल की कहानी को सुनकर काफ़ी दर्शकों को और काफ़ी महिलाओं को जो करना चाहती हैं, जो म्यूज़िक फील्ड में आना चाहती हैं पर उनको मौका नहीं मिलता, उनको पूरी प्रेरणा मिलेगी, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। और मैम, यहाँ से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, अब महिलाओं की बात हो ही रही है, तो महिलाओं के साथ साथ युवा पीढ़ी भी है जो शास्त्रीय संगीत से दूर भागती जा रही है, वो शास्त्रीय संगीत नहीं करना चाहती, पश्चिमी संगीत पर ज़्यादा ध्यान देती है, तो इसकी वजह क्या है? एक मानसिकता बन गई है कि शास्त्रीय संगीत एक बहुत धीमी गति का संगीत है जी। हम पाश्चात्य संगीत को समझते नहीं हैं, जहाँ भीड़ चलती जा रही है उसके साथ ही हम शामिल होते जा रहे हैं। आज ध्रुपद जो हमारा शास्त्रीय संगीत की का जड़ है जी, वो एसेंस है, आज विदेश में हमारे यहाँ जितना पॉपुलर नहीं है, विदेशों में ज़्यादा पॉपुलर है। आज यही सरोद अमेरिका में ज़्यादा पॉपुलर है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसको स्कूल के लेवल से अगर हम संगीत कला को जोड़ दें, संगीत एज ए सब्जेक्ट डाल दें जी, तो मुझे लगता है बच्चों में, हर बच्चों में संगीत की एक बात रहती है, हर बच्चों में होती है और उसे नकारा नहीं जा सकता है। हमने कई बार देखा है, वो कुछ सीखते नहीं हैं लेकिन जब गाते हैं तो बहुत अच्छा गा लेते हैं, तो संगीत कहीं ना कहीं उनके उसके तत्वों में तो है ही। अब
शास्त्रीय संगीत को लेकर मैंने ये देखा है, ये राय बन चुकी है कि ये बहुत सुस्त संगीत है, धीमी गति का संगीत है। नहीं तो आप सिर्फ एक फास्ट रिदम पे चलाते रहें, ये तो कोई स्पीड हम बढ़ा देंगे और कूदते रहेंगे, उसमें तो कोई आर्ट एस्थेटिक्स सौंदर्य तो नहीं है जी। और राग संगीत तो हमारे मानसिक रूप से, मतलब मैंने कई लोगों को देखा है कि जो बहुत ही बीमार रहते हैं, किसी तरह का मन में दुर्भावना या मनोरोग से भी ग्रसित होते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन रहता है, संगीत सुनने के बाद वो बड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं जी। और शास्त्रीय संगीत तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, अगर आप उसको अपनाते हैं तो आप खुद एक सुकून महसूस करेंगे, एक कॉन्सेंट्रेशन होता है जी, एक कॉन्सेंट्रेशन होता है। हर बच्चों में एक शास्त्रीय संगीत डालना चाहिए, आर्ट फॉर्म देना चाहिए। मुझे ये नहीं लगता है कि शास्त्रीय संगीत ही कोई आर्ट फॉर्म हो जो कि जो अपना वो काम करते हैं उस पर एकाग्रचित हो पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगी कि अगर म्यूज़िक कॉलेज यूनिवर्सिटी, अगर म्यूज़िक अगर होता यहाँ तो शायद ये दशा नहीं होती, ये कुछ अच्छा होता जी। आप अगर उसको जगह ही नहीं देंगे तो आप ये कह के नकार देंगे कि शास्त्रीय संगीत लोग में रुचि कम है। नहीं, युवा हमने देखा है अहमदाबाद में, इंडस्ट्रियल प्लेस की बात मैं कह रही हूँ जी, अहमदाबाद में, कानपुर में, दिल्ली इतना फास्ट जगह है, महानगर है, बैंगलोर है, सब जगह लोग शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वो सीख रहे हैं जी, इसकी कमी नहीं है। आपने स्पीक मेके इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी, स्पीक मेके का बहुत बड़ा योगदान रहा है, युवा को बहुत प्रेरित किया उसने जी। मैम आपने सही कहा कि म्यूज़िक से कंसंट्रेशन आता है, और अभी रीसेंट सर्वे के थ्रू भी पता चला कि अगर जो बच्चे म्यूज़िक सीखते हैं तो वो पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जी। मैम हाँ। मैम मैं थोड़ा आपके घराने के बारे में जानना चाहूँगी, और बाकी घराने से आपके घराने में क्या फ़र्क है वो थोड़ा मैं समझना हाँ। चाहूँगी। ये तो मैंने बताया ही कि तीन घराना है, जिसमें अभी पॉपुलर में उस्ताद अमजद अली खान साहब का घराना, हाफिज़ अली खान साहब का, और मैहर सैनिया घराना, वो गायकी अंग बजाते हैं। हमारा तंत्रकारी का है, जिसमें बोल बाट तिहाइयाँ इस तरह का हमारा ध्रुपद अंग से बजाते हैं हम, और वाद्य के जो अंग हैं वो हम बजाते हैं। और उस्ताद अमजद अली खान साहब के घराने में, ग्वालियर घराने में, गायकी अंग से बजाया जाता है, ख्याल गायकी की जो भी बंदिशें होती हैं उनका जो विस्तार है। संगीत तो दोनों ही संगीत है, पर उनका गायकी होता है ख्याल अंग से, हम ध्रुपद अंग से बजाते हैं। और तंत्रकारी हमारा है, जिसमें बहुत ही हम आड़ी कुआड़ी बियारी जो इसके टेक्निकल वर्ड्स हैं वो हम लेके चलते हैं। जैसे हम देखें, हमारे घराने की एक विशेषता है कृंतन जी, जो हमारे आचार्य अलाउद्दीन खान साहब की देन है। अब कोई भी राग बजेगा, मैंने बजाया अभी आपको, ये नील का प्रयोग करके कृंतन बजाते हैं जी। वैसे तो सब घराने में हर चीजें बजती हैं, स्पेशलिटीज़ है मैहर घराने की, कृंतन बजता है। मैम अब आप थोड़ा एक्सप्लेन कर ही रही है, और मैंने पहले भी आपको बजाते हुए सुना अभी कुछ वक्त पहले, मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी फील हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपसे दरख्वास्त है, आप कुछ एक और हमें एक सुना दीजिए। मैहर घराने की एक माश खमाज की मैं एक बंदी सुना रही हूँ आपको।
आपके थ्रू जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीखते हैं पर उनको, क्योंकि शास्त्रीय संगीत ऐसी ही चीज़ है जिसमें सफलता थोड़ी लेट मिलती है, हाँ, तो वो बच्चे हताश हो जाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कोई भी काम में तो पेशेंस चाहिए, लेकिन संगीत में कुछ ज़्यादा ही चाहिए और शास्त्रीय संगीत में और भी। इस पर कठिन अभ्यास और एक डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अलंकार को मन मार के वर्षों वर्षों तक अभ्यास करना पड़ता है, उसके बिना वो हाथ में आता नहीं। इसीलिए मैंने कहा आपको शुरू में ही कि पंडित भीमसेन जोशी जी मुझे मेरे आदर्श रहे हैं। मैंने उनके बारे में सुना, बहुत समय तक उन्होंने अभ्यास किया और तब उस मुकाम पर पहुँचे थे। तो शास्त्रीय संगीत कला एक ऐसा है कि जिसे वर्षों वर्षों तक ही साध करके उस जगह पर कोई भी कलाकार,
आज जो चोटी के कलाकार हैं जिन्हें हम बहुत ही ग्लैमरस देख रहे हैं, वो भी इन कठिन रास्तों से ही गुजर करके उस तरह पहुँचे हुए हैं जी। तो आज के मैं युवा पीढ़ी को यही बोलूँगी कि पेशेंस, सहन शक्ति और एक अनुशासन, तीन चीज़ों को बहुत ही अपने अंदर में रख करके चलना होगा, तभी ये शास्त्रीय कला को आप अपना पाएंगे और वो जगह मिल पाती है। कला तो कठिन है, कोई भी अच्छी कला को पकड़ने के लिए इन चीज़ों को अपने मन में रखना होगा, और मोबाइल और ये सब सारी चीज़ें तो ऑब्स्टेकल्स हैं मेकिंग प्रोसेस में। ऑब्स्टेकल्स हैं, वैसे इन्हें हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन मेकिंग प्रोसेस में उन चीज़ों से दूर रह करके आप उस चीज़ों को हासिल करने के लिए इन चीज़ों को तो अपनाना ही होगा जी। अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखने का एक डिसिप्लिन होता है जी जी, और उस और गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में और भी ज़्यादा होता है जी। इंस्टीट्यूशंस में उतना लोग नहीं रखते हैं इस चीज़ को, फिर भी संगीत में दूसरे सब्जेक्ट की जगह कंपैरिजन ज़्यादा होता है, पर गुरु शिष्य परंपरा में तो इन चीज़ों को बहुत ही मेंटेन करना पड़ता है, तभी हो पाता है ये चीज़। चलिए मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब जाने का समय आ गया है, और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे सिटी पोस्ट के दर्शकों को आप कुछ संदेश दें। बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और संगीत का आपने ये जो जगह दिया है, आप कलाकारों को आमंत्रित करके उनका साक्षात्कार करवाती हैं, और ये संगीत, मैं तो संगीत की हूँ इसीलिए थोड़े उस पक्ष में ही बोलूँगी कि संगीत का और भी कलाकारों को बुलाएं और इनको जगह दें, और संगीत के लिए ही कुछ हो तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। सभी आप सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से श्याम भाभी जी को और पूरे चैनल को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें समय निकाल के दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने देखा कि हमने रीता जी से बातचीत करी, सरोद के बारे में भी बहुत कुछ जाना। हम अगले बार फिर आपको एक नए कलाकार से रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार, सहयोग और समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।